नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से एक नंबर या डेट या फिर डेज, है ना, इनको एक सीक्वेंस में लाया जा सकता है ऐटोमेटिकली। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक कोई सीरियल नंबर देना है रो में या फिर कॉलम में, है ना, एक के नीचे एक या एक के राइट में एक। तो ऐसे कंडीशन में कब तक आप लिखते रहोगे? तो इसको दूर करने का हम आज प्रयास करेंगे, और ये करेंगे होम टैब में फिल नाम का एक ऑप्शन है जो लास्ट में आपको मिलता है, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उसका जो एक ऑप्शन है सीरीज, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आज। चलिए इसके लिए मैं ऑल्ट करता हूँ, होम टैब में गया, और उसके बाद टैप करता हूँ, और ये थोड़ा जल्दी करता हूँ टैप ताकि टाइम बचे। Cells, delete split button, press alt plus, delete. Menu, format sub menu to move through the editing, auto sum split button, menu, fill sub menu to move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow. Last में ही है, यहाँ पर आपके ऑफिस किस तरह से सपोर्ट करता है वो देखिए, स्पेस बार भी हो सकता है, जैसे ऑफिस 7 है तो स्पेस बार से चल जाता है, नहीं तो यहाँ पर मेरे ऑफिस में ऑल्ट डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्ट डाउन एरो, एडिटिंग टूल बार, फिल, स्पेस बार या ऑल्ट डाउन एरो देख लीजिएगा जो भी आपका ऑफिस सपोर्ट करता है, और उसके बाद डाउन एरो, राइट कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, राइट लेफ्ट अल्ट फॉलोड बाय एच एफ आई एल, इस तरह के ऑप्शन है ना। उसके बाद अक्रॉस वर्कशीट्स डॉट डॉट अवेलेबल अल्ट फॉलोड सीरीज डॉट डॉट अल्ट फॉलोड बाय एच एफ आई एल, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कहां पर है, इसके बाद मैं शॉर्टकट कमांड का यूज करूंगा ताकि टाइम बचे। अब आप देखते हैं, मैं एस्केप कर देता हूं फिलहाल, क्योंकि सिचुएशन मैंने अभी शीट में क्रिएट नहीं किया है। एस्केप अपर रिबन, मान लीजिए A1 में मेरा कर्सर है और मैं लिखता हूं 1 1 edit 1 type text to enter land A2 1 A1, तो A1 में गया 1 है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूं राइट की ओर, select F1 तक सेलेक्ट कर लिया, और शॉर्टकट रिबन एक्सेस कमांड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि टैप करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऑल टैब F5 मेन्यू लीविंग मेन्यूज डाउन कंट्रोल प्लस डी अवेलेबल टू मूव थ्रू आइटम्स, तो सीधा फिल सब मेन्यू खुल गया है, और सिर्फ वहां डाउन एरो करता हूं, राइट कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, मान लीजिए राइट, क्योंकि मैंने A1 में लिखा है तो B1, C1, D1 ये सब राइट की ओर है, राइट में जाकर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर, लीविंग मेन्यूज, लीविंग रिबन्स, सिलेक्टेड रेंज, A1, 1, F1. क्या हुआ है? टैब, एनालिसिस लेंस, स्टार्ट एस्केप, 1, A1. A1 में 1, 1, B1. B1 में 1, 1, C1. C1 में 1. तो इसने ऑटोमेटिकली फिल अप कर दिया है 1, D1. जहां तक मैंने सिलेक्ट किया था, आपसे कोई ऑप्शन नहीं पूछता है, है ना? 1, उसी प्रकार से देख लेते हैं, 1, A1 में 1 है, land, A2. A2 में मैं 2 लिख देता हूँ, क्या ये सीक्वेंस बनाता है? ये देखना है, A1 में 1 है और A2 में 2 लिख दिया है, उसके बाद नीचे की ओर सिलेक्ट करता हूँ, A1 से नीचे की ओर, सिलेक्ट 2, सिलेक्ट A3, सिलेक्ट A4, सिलेक्ट A5, सिलेक्ट A6, A1 से लेकर A6 तक सिलेक्ट कर लिया है, फिर Alt H, Alt H, upper ribbon, F I, editing toolbar, fill button, drop, right control plus R unavailable, right control plus है. R, up, Alt followed by H, left, Alt followed by H, F I L, across worksheets, left, Alt followed, up, Alt followed, right control down plus R unavailable, down control plus D, control plus D. तो down किया क्योंकि down की तरफ selection है, और enter कर दिया. Enter, leaving menus, upper ribbon, ribbon, home tab, to change ribbon, use left or right arrows, period. Tab, analysis, escape. 1, A1. देखिए, A1 में 1 है. 1, A2. A2 में भी 1 है, यानी कि जो 1, जो वहाँ पर मैंने 2 लिखा था, उसको भी उसने 1 कर दिया, 1, A3 में 1 है, A4 में 1 है, 1, A5. A5 में 1 है, तो अभी तक जो हमने किया है उसका एनालिसिस यही है, अगर आप वहां से किसी सेल में लिखते हो, चाहे सिक्वेंस ही क्यों ना बना के लिए, 2 सेल में भी लिखो, तब भी वो जो है फर्स्ट सेल में जो है उस सेल को रिपीट करता है ना, जैसा A1 में लिखा था 1, A2 में मैंने 2 लिखा था, लेकिन उसने 3 नहीं किया A3 में, उसने 1 को ही सब में रिपीट कर दिया, यानी कि 2 को भी उसने ओवरराइट कर दिया, 2 को भी उसने 1 बना दिया जो कि A2 में लिखा था। तो आप इस तरह से, मैंने राइट और डाउन वाला करके दिखा दिया, आप आगे चल के लेफ्ट आप कर सकते हो, लेकिन हमें कुछ कस्टमाइजेशन के साथ चाहिए ताकि प्रॉपर सीक्वेंस बने, तो इसके लिए हम चलते हैं, सिलेक्ट A1, 1, ये मैं डिलीट कर देता हूं,
और मैं D1 में आ गया हूँ, तो शॉर्टकट कमांड यूज करता हूँ जो कि होम टैब में है, फिल सब मेनू जाने के लिए, ऑल टैब्स, एफ अपर रिबन, ग्रैब आई, मेनू, लीविंग मेनू, एक्चुअली ये रिबन एक्सेस कमांड है, मूव थ्रू आइटम्स, प्रेस अप और डाउन एरो, पीरियड, कंट्रोल प्लस डी। लेकिन आप अगर जॉज में वर्चुअल रिबन ऑन करते हो तो ये आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वर्चुअल रिबन ऑफ करके ही ये कमांड यूज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये रिबन एक्सेस कमांड मैं बोलता हूँ इसे, right control up alt followed left alt followed by hfis across worksheets dot 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 series dot 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 alt followed by hfis है ना, सीरीज में आ रहा हूं और इसमें एंटर कर रहा हूं, enter leaving menus leaving ribbons ribbon step value colon edit 1 type and text period alt plus s है ना, तो यहां पर सीरीज में बहुत सारे ऑप्शन है, अभी मैं केवल आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, step value colon edit type and text period alt plus s, step value means किस हिसाब से जाना है, दो के हिसाब से जाना है या तीन तीन के हिसाब से, किस तरह से स्टेप रखना है, trend checkbox not checked, the check press space bar period, alt plus t, trend, ये अभी हम बाद में देखेंगे किस तरह से होता है, autofill की तरह काम करता है भी, okay button to active, cancel button to rose radio button checked, to change the selection, press up or down arrow period, alt plus r, radio button है तो down arrow करते हैं, columns radio button checked, to change the selection, press up or down arrow period, alt plus c, इसमें column में मतलब किस ओर आपका fill हो रहा है, rows की ओर जाना है या column की ओर जाना है, है ना, क्योंकि हमारे टेबल दोनों प्रकार से हो सकता है, लेफ्ट टू राइट भी 1 2 3 4 हो सकता है, और टॉप टू बॉटम भी जो है 1 2 3 4 हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, लीनियर रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन, प्रेस अप और डाउन एरो पीरियड, ऑल प्लस ग्रोथ रेडियो बटन चेक, डेट रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन, प्रेस अप और डाउन एरो पीरियड, ऑटो फिल रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन, प्रेस अप और डाउन एरो पीरियड, ऑल प्लस दिया गया है, तो मैं इसको एक बार एस्केप कर देता हूं, ये केवल मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से इसका ओरिएंटेशन है डायलॉग बॉक्स का, एस्केप करता हूं, जहां डेट है तो डेट के अंदर किसके अनुसार आपको ग्रो करना है, डे के अनुसार करना है या फिर मंथ के अनुसार करना है या ईयर के अनुसार करना है, वो भी उसमें है, तो एस्केप करता हूं, एस्केप, लैंड डी1, देखते हैं कैसे हम सीक्वेंस बनाएंगे, लैंड डी1, मान लो D1 में हमारा कर्सर है, कहीं भी हो सकता है आपका, A1 में भी हो सकता है, मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं ताकि बीचों बीच आपको देखने में आसानी हो, 1 लिख दिया है मैंने D1 में, और उसके बाद मैं चलता हूं शॉर्टकट कमांड यूज करता हूं, alt upper ribbon ribbon f5 heading toolbar fill button s leaving menus leaving ribbons step value colon edit 1, मतलब वहां से डाउन एरो करके सीरीज में जाना था, एंटर करना था, वो मैंने सीधा s कर दिया तो वो भी आ गया, सीरीज डायलॉग बॉक्स खुल गया। इतना शॉर्टकट कमांड ट्रेनिंग के दौरान वैसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और टाइम बचेगा इसलिए मैंने किया है। अब ये बोला है स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू यहां पर आ रहा है 1, स्टेप मींस अगर मैं 1 करता हूं तो 1 का बनेगा 2 3 4 5 नीचे जाएगा, अगर मैं स्टेप वैल्यू 2 कर देता हूं तो दो दो स्टेप लेगा, यानी ये स्टेप वैल्यू है, तो 1 3 5 7 इस तरह से चला जाएगा, 2 2 करूंगा, 3 3 करूंगा तो 3 3 के स्टेप से करेगा, 5 5 करूंगा तो 1 के बाद सीधा 6 इस तरह से आ जाएगा, है ना, तो ये स्टेप है। टैप करता हूं, स्टॉप वैल्यू कॉल एडिट टाइप एंड टेक्स्ट, स्टॉप यानी कि कहां रुकना है, तो हमने कहा 10 1 0 10 में रुक जा भाई, trend checkbox not checked, the check press space bar period, alt plus d, okay button to activate, okay. cancel button to activate, okay press space bar period, नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें option भी लेना है कि भाई linear करना है या किस तरह से करना है, मैंने आपको option दिखाया था, rows radio button checked, to change the selection, press up, rows में करना है, यानी कि right की ओर, यानी कि rows में करना है या फिर column में करना है, अब क्योंकि मैंने वहां पर सेलेक्ट नहीं किया था, अगर मैं सेलेक्ट करता वन लिखने के बाद मैं नीचे की ओर सेलेक्ट करता तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, या राइट की ओर सेलेक्ट करता तो ऑटोमेटिकली रो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर रो है तो यहाँ रो आ गया है, मैंने D1 में 1 लिखा लेकिन कोई भी सेल सेलेक्ट नहीं किया, आप चाहो तो D1 में 1 लिखकर नीचे जहां तक अप्लाई करना है वहां तक सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर फिर अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं किया, उसकी कोई खास आवश्यकता भी नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ ध्यान देना जरूरी है, रो चाहिए या कॉलम, columns radio button checked to change the selection, press up or down arrow period, alt plus c, radio button hamesha ek nahi hota balki group mein hota hai, kam se kam do to hoga hi hoga, ab tap karte hain, linear radio button checked to change the selection, press up or down arrow period, alt plus l, ab yahan par dekhiye, yahan par aaya linear radio button hai na, to maine dekha tha aapko char option tha down arrow se, linear, growth, date hai na, और इस तरह से ऑटोफिल ये ऑप्शन था वहां पर, तो लीनियर हम लेते हैं क्योंकि लीनियर एक सीक्वेंस से सीक्वेंस के आधार पर होगा, तो लीनियर ले लिया, लीनियर ही चाहिए अगर एक सीक्वेंस में चाहिए आपको, तो टैप करते हैं, स्टेप वैल्यू कॉलन एडिट 1 टाइप एंड टेक्स्ट पीरियड अल्ट प्लस एस, दोबारा स्टेप वैल्यू में आ गया कि घूम के आ रहा है, स्टेप वैल्यू कॉलन ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट ओके बटन टू एक्टिवेट, आप डायरेक्ट लीनियर में भी एंटर कर सकते थे, लेकिन चलो ओके मैं जाकर स्पेस बार या एंटर कर दिया, स्पेस
1d1 आप देखते हैं 2 1d1 में 1 आया 2d2 आ गया 3d3 4d4 नीचे की ओर जा रहा हूं मैं d4 4 5d5 5 आ गया 6d6 7d7 8d8 9d9 10d10 है ना। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, एक सीक्वेंस बन गया, 1000 10000 जितना बनाना चाहे नीचे की ओर बना सकते हो या लेफ्ट टू राइट बना सकते हो, राइट। अब देख लेते हैं अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मान लो E1 में मैंने लिख दिया 1 है ना, और मैंने सिलेक्ट कर E14 तक सिलेक्ट कर लिया, E1 से E14 तक सिलेक्ट कर लिया, फिर Alt H upper ribbon rib F5 menu leaving menus down control plus right up alt follow left alt follow across worksheets dot series dot dot alt follow। मैं S भी प्रेस कर सकता था आ जाता, लेकिन चलो एंटर कर दिया। डाउन एरो करने के बाद सीरीज एंटर लीविंग मेन्यूज लीविंग रिबन्स स्टेप वैल्यू कोलन एडिट 1 टाइप एंड टेक्स्ट पीरियड। अब मैं स्टेप वैल्यू को 2 कर देता हूं, दोनों चीज हम देख लेते हैं सिलेक्शन में क्या था, वो 2 आया 2 है ना, और टैप करते हैं स्टेप वैल्यू कोलन एडिट टाइप एंड टेक्स्ट पीरियड। अब स्टेप वैल्यू में केवल 6 तक चलाना चाहता हूं या 7 तक चलाना चाहता हूं, मान लो 7, चलो 7 तक चलाना चाहता हूं मैं, और टैप करते हैं ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट चेक्ड, चेक ओके बटन, कैंसिल बटन, कॉलम्स रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन फॉर सम डाउन एरो पीरियड ऑफ प्लस सी। कॉलम आ गया क्योंकि मैंने नीचे की ओर सेलेक्ट किया, उस कॉलम को सेलेक्ट किया तो कॉलम की डायरेक्शन में जाएगा वो सीक्वेंस जो भी बनेगा, तो इसलिए कॉलम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया। पहले केस में सेलेक्ट नहीं था जब मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो लीनियर रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो पीरियड ऑफ प्लस एल। पहला ऑप्शन लीनियर ही है, मुझे लीनियर ही चाहिए, तो मैं यहीं पर एंटर कर देता हूं एंटर selected range E1 3 E2 में 5 E3 5, देखो 2 का गैप हो रहा है, स्टेप 2 दिया था मैंने 7 E4 7 है ना, 1 3 5 उसका 7। अब नीचे देखते हैं blank E5 blank E6 blank E7, हालांकि मैंने E14 तक सेलेक्ट किया था लेकिन उसने वहीं पर रोक दिया जहां पर आपने स्टॉप वैल्यू दिया था, तो स्टॉप वैल्यू मैंने 7 दिया था तो उससे आगे नहीं बढ़ा। तो इस बात को विशेष ध्यान देना कि आप कितना सेलेक्ट करते हो केवल उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर यह डिपेंड कर देगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा डायलॉग बॉक्स में कि वो कॉलम है या रो है, लेकिन आपका जो स्टॉप वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि वो नंबर कहां तक जाएगा, ना कि सिलेक्शन पर। सिलेक्शन पर केवल कॉलम या रो डिपेंड करेगा, लेकिन वो कॉलम या रो तो हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे तो, है ना। तो बिना सिलेक्ट करे भी ये काम हो सकता है और आसानी से हो सकता है, सिलेक्शन का कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं F1 में चलते हैं दूसरे ऑप्शन यूज करने के लिए Alt। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसमें जैसा ये है, हमने लिखा डेट एंड टाइम चाहिए मुझे मान लो, है ना। तो आप डेट एंड टाइम कैसे कर सकते हैं, हमने लिखा संडे है ना, F1 में लिख दिया संडे, राइट। अब इसके बाद सेलेक्ट करके नीचे की ओर आते हैं select F11 F11 तक सेलेक्ट कर लिया, Alt H upper ribbon ribbon F5 menu leaving menu leaving menu leaving ribbon step value colon edit 1 type and text period Alt plus S। अब यहां पर टैप करके या शिफ्ट टैप करके, शिफ्ट टैप करूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, शिफ्ट टैप करता हूं linear radio button check to change the selection press upper down arrow period Alt plus L। हमें लीनियर नहीं चाहिए यहां पर, डाउन एरो करते हैं growth radio button check to change date radio button check to change the selection press upper down, ये भी हम बाद में देख लेंगे autofill radio button check to change the selection press upper down arrow। मान लीजिए मैं autofill लेता हूं तो क्या होगा, autofill लिया और टैप करते हैं trend check box not checked to check press space bar period okay button to activate। अब देखिए autofill लेते ही वो step value और दूसरा जो value है stop value वो dialog box dim हो जाता है, means वो हट जाता है, हट नहीं जाता है, वो dim हो जाता है, disable हो जाता है। सीधा ओके आया और ओके में स्पेस बार कर दिया, स्पेस सिलेक्टेड रेंज F1, अब देखिए टैब एनालिसिस लेंस फॉर्मेट एस्केप संडे F1 संडे मंडे F2 ट्यूसडे F3 वेडनेसडे F4 थर्सडे F5 फ्राइडे F6 सैटरडे संडे F8 है ना, बड़े आसानी से आ गया। और देख लेते हैं ऑटोफिल में क्या, ऑटोफिल में सीक्वेंस नंबर आता है, सीक्वेंस में आएगा। अब ऑटोफिल में लेकिन आपको सिलेक्ट करना जरूरी है,
कि आप कॉलम की तरफ सिलेक्ट करते हो नीचे की ओर या राइट की ओर सिलेक्ट करते हो। जितने सेल में चाहिए जहां तक चाहिए वहां सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि उसमें स्टॉप वैल्यू नहीं मांगता है। और एक बात और है कि वो स्टेप वैल्यू भी नहीं मांगता किस स्टेप से जाए, तो हमें एक पैटर्न भी देना जरूरी है। मान लीजिए हम D1 में हैं और इसमें लिख देते हैं संडे, SNDAY, एंटर, लैंड D2, संडे D1, D1 में संडे, लैंड D2। अब मंडे ना लिखकर ट्यूसडे लिख देते हैं, TUESDAY, एंटर, लैंड D3। अब हमने एक पैटर्न बनाया, पहले संडे लिखा फिर मंडे ना लिखकर नेक्स्ट सेल में नीचे वाले सेल में लिख दिया ट्यूसडे D2 में, तो D1 D2 को मैंने यूज किया है। अब D1 में कर्सर रखकर नीचे सेलेक्ट कर लेता हूं D11 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब Alt H, अपर रिबन, रिबन, होम, F, I, मेनू, S, लीविंग मेनूज, लीविंग रिबन, स्टेप वैल्यू, कोलन, एडिट, 1, टाइप एंड टेक्स्ट, पीरियड, Alt plus S। अब मैं टैप करने के बजाय शिफ्ट टैप कर लेता, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। लिनियर रेडियो बटन चेक, ऑटो फिल से क्या होता है वो देख रहे हैं। ग्रोथ रेडियो बटन चेक, डाउन एरो, ऑटो फिल रेडियो बटन चेक, चेंज द सिलेक्शन, प्रेस अप और डाउन एरो। तो ऑटो फिल मींस ऑटोमेटिक फिल करेगा, आपको केवल लिखकर सेलेक्ट करना है और ना ही इसमें स्टेप वैल्यू देना है ना ही स्टार्ट स्टॉप वैल्यू देना है। और हमने पैटर्न इस बार टाई कर दिया है दो सेल में लिखकर। ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट चेक्ड, ओके बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा। संडे D1, देखा संडे हमने खुद लिखा था D1 में, ट्यूसडे D2, ट्यूसडे लिख दिया है D2 में, ये भी लिखा था, पैटर्न दे दिया था। नीचे क्या इसी पैटर्न को फॉलो किया है, नीचे आते हैं, थर्सडे D3, थर्सडे देखो, ट्यूसडे का तो वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे आ गया। सैटरडे D4, देखिए सैटरडे यानी कि फ्राइडे गायब, मंडे D5, फिर मंडे आ गया, संडे गायब, बिल्कुल सही, वेडनेसडे D6, वेडनेसडे, फ्राइडे D7, फ्राइडे, संडे D8, संडे, ट्यूसडे D9, थर्सडे D10। तो इस प्रकार से अगर आपको पैटर्न डिसाइड करना है, आपको पैटर्न पता है, तो दो सेल में आप लिख दीजिए। पहला सेल में एक एक लिखे नंबर स्टार्टिंग, और फिर किस तरह से स्टेप में जाएगा वो दूसरे सेल में लिखिए, और उसके बाद में नीचे तक जहां तक ले जाना है या राइट तक या राइट की ओर, अगर रो वाइज करना है तो राइट की ओर, है ना, और कॉलम वाइज करना है तो नीचे डाउन की ओर आप सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर ऑटो फिल में जाइए, और ऑटो फिल में, ऑटो फिल ऑप्शन सीरीज में ऑटो फिल ऑप्शन लेने के बाद फिर ओके कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा। तो ये फिल ऑप्शन से संडे मंडे में आपको दिखाया, 1, 2, 3, 4 में भी ऐसे कर सकते हैं आप। आपको मान लीजिए स्टेप 2 करना है लेकिन ऑटोफिल का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 1 के बाद एक ऊपर वाले सेल में मान लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं A1 में हूं इस समय, और A1 में मैंने लिख दिया 1, और राइट को आया, अब मैं रो का इस्तेमाल कर रहा हूं, B1 में लिख दिया 3, एक पैटर्न डेवलप कर दिया ताकि एक्सेल को मालूम चले कि किस पैटर्न में जाना है। अगर मैं लीनियर ले रहा तो मुझे पैटर्न डेवलप करने की जरूरत नहीं थी और सिलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑटो फिल में जरूरत है, वो ऑटोमेटिक फिल करेगा उस पैटर्न के अनुसार। तो A1 से लेकर G1 तक सिलेक्ट कर लिया मैंने, Alt S करते हैं, Alt H, upper ribbon, rib, F, I, menu, S, leaving menus, leaving ribbon, step value, colon, edit, 2, type and text, period, Alt plus S. एक बार टैब या टैप करूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, shift टैप करता हूं, linear radio button checked, change the selection, press up or down arrow, period, Alt plus L. linear है सबसे ऊपर वाला, down arrow करता हूं, radio button है, growth radio, date radio, autofill radio button checked, change the selection, press up or down arrow, period, Alt. चाहो तो मैं यहीं enter कर दूं या फिर चलो टैप करके दिखाता हूं, trend checkbox, okay button to activate, press space bar, period. बीच में वो step value और stop value कुछ नहीं आता, ओके कर देते हैं। स्पेस सिलेक्टेड रेंज A1, इस बार मैंने रो वाइज दिखाया आपको, स्टार्ट लाइन टैब, द स्विच पेज, टेबल एस्केप, 3 1 A1 में 1, 3 B1, B1 में 3 है तो हमने लिखा था पैटर्न के लिए, 5 C1, देखिए 5 आ गया, 7 D1, 7 आ गया, 9 E1, 9 आ गया, 11 F1, 11 आ गया, देखिए एक छोड़ के कर रहा है, 13 G1, है ना। इस तरह से अगर आप ऑटो फिल का यूज करते हैं तो आपको कम से कम दो सेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि पैटर्न डेवलप हो जाए, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर आगे एक्सेल ऑटोमेटिकली फिल कर दे। अगर आप एक ही सेल का इस्तेमाल करोगे और सेलेक्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि जो उस सेल में लिखा है उसी को भर देगा पूरे सेल में। जैसा मान लो A1 में 10 लिखा है, मैंने A1 से लेकर A10 तक सेलेक्ट कर लिया है, तो होगा क्या, जो 10 लिखा है वो पूरा सेल में A1 से लेकर A10 तक 10 10 10 10 भर देगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है
जब भी ऑटो फिल का इस्तेमाल करें तो पैटर्न अगर डिसाइड करना है तो दो सेल, अगर एक ही नंबर को पूरे सेल में फिलअप करना है तो फिर आप एक ही सेल का इस्तेमाल करें। अब आगे हम देखते हैं कि डेट को किस प्रकार से सीक्वेंस में लाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आता हूं D1 में आता हूं और यहां पर कंट्रोल सेमी कॉलन से एक डेट डाल देता हूं। Insert the date, edit cell, edit 3/15/2020, enter, blank, D2, 15/03/2020, D1 में एक डेट आ गया है जो आज का डेट है 15/3/2020, राइट। अब ये इस फंक्शन के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, डेट फंक्शन। अब यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा कहां तक आप डेट चाहते हो। यहां पर सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। Select D2, select D15, select D20. यहां पर मैंने D20 तक सेलेक्ट कर लिया है और अब चलता हूं Alt H, upper ribbon, ribbon, में, home tab, the change ribbon, use left or right arrows, period, to navigate the current I, menu, leaving menus, down, control plus D, to move through items, press up or down arrow, period, control plus D, S, leaving menus, leaving ribbons, step value, colon, edit, 1, type and text, period, Alt plus S. अब यहाँ पर आए step value 1, 2, जो भी आपको देना है दीजिए। मैं तो सीक्वेंस में चाहता हूँ, इसलिए step value 1 ही रखता हूँ। आगे चलते हैं, टैप करते हुए भी जा सकता हूँ या shift plus टैप करके भी जा सकता हूँ। चलो मैं टैप करके चला जाता हूँ, थोड़ा लॉन्ग दिखाने के लिए। स्टॉप वैल्यू आपको यहां पर देने की आवश्यकता नहीं है, जो सिलेक्टेड है वहीं पर जाएगा। आगे चलते हैं। ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट चेक, ओके बटन, कैंसिल बटन, कॉलम रेडियो बटन चेक, टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप। क्योंकि सिलेक्टेड है कॉलम, तो इसने ऑटोमेटिकली कॉलम को ले लिया है। डेट रेडियो बटन चेक, टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो, पीरियड, ऑल्ट प्लस डी। डेट ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि D1 में हमने डेट लिखा था, तो उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक्सेल ने ले लिया है डेट ऑप्शन, वरना ऊपर नीचे ऑप्शन है आपको पता है, लीनियर ग्रोथ है ना, और इसके नीचे डेट के नीचे ऑटोफिल, तो डेट है हम कुछ नहीं करेंगे। टैप करता हूं, मुझे यहां एरो की चलाने की जरूरत नहीं है। डे रेडियो बटन चेक, टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन, डे रेडियो बटन है, डाउन एरो करता हूं। वीक डे रेडियो बटन चेक, मंथ रेडियो बटन चेक, ईयर रेडियो बटन चेक, टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो, पीरियड, ऑल्ट प्लस वाई। तो आपको किसके अनुसार चेंज करना है, अगर आपको डे रेडियो बटन चेक, टू चेंज द डे करते हो तो 15 का 16, 17, 18, 19 इस तरह से चलता रहेगा। Weekday radio button check, to change the selection, press up or down arrow, period. Month radio button check. Month के अनुसार month change होगा. Year radio button check, year change. Year change होगा. तो मैं day radio button check, day ले लेता हूँ. बाकी आप करके देख लेना बारी बारी से. Concept वही है. Step value, colon, edit, 1, type and text, period. Step value 1 रखें, क्योंकि मैंने 15, 16, 17 चाहिए. अगर आपको 2-2 का gap चाहिए date में, 16 के बाद, 15 के बाद, 17, फिर 19, तो आप 2 step value कर सकते हो. Stop value, colon, edit, type and text. स्टॉप वैल्यू अभी कुछ ना करें क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसी के अनुसार चलेगा और उसी के अनुसार काम करें। ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट चेक, टू चेक प्रेस स्पेस बार, पीरियड, ट्रेंड देखेंगे बाद में। ओके बटन, टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस बार, स्पेस, सिलेक्टेड रेंज D1, 15/03/2020 D1, 16/03/17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020, मतलब इसी मार्च महीने के ही 20/03/2020 अब इसमें मैं आज फिर एक बार डेट डाल देता हूँ। Insert a date, edit cell, edit 3/15, enter, blank, D2, 15/03/2020, D1. 15, है ना, 03/2020 आज का डेट। अब फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे तक। Select D15. D15 तक सिलेक्ट किया, Alt H. Alt H, upper ribbon, ribbon, F-I-S, leaving menus, upper ribbon, ribbon, home tab, the change ribbon, use left or right arrow, period, to navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, stop, step value, colon, edit. Step value को अब मैं 2 कर देता हूँ, क्योंकि दिखा देता हूं मैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। Stop value, colon, edit, type and text, period. Trend check box not checked. Check, press space bar, period. Alt plus. Okay button, cancel button. Columns radio button check. Change the selection, press up. Date radio button check. Change the selection, press up or down arrow, period. Alt plus D. Day radio button check. Change. हमने पहले कर लिया था, थोड़ा month. Weekday radio button. Month radio button check. Change the selection, press up or down arrow, period. Alt plus M. 2 के हिसाब से change हो रहा है नहीं हो रहा है। Step value 2 देने पर ले रहा है नहीं ले रहा है। Step value. Stop value. Trend check box. Okay button, activate, press space bar, period, space.
Selected range D1. 15/03/2020 मैंने मंथ को सिलेक्ट किया था डेट के अंदर और स्टेप वैल्यू 2 दिया था तो इसलिए 5 हो गया 15/07/2020 D3 बिल्कुल सही मंथ चेंज हो रहा है दो दो के हिसाब से अगर मैं वहां डे लेता तो 15 के बाद 17 होता 17 के बाद 19 होता इस तरह से लेता तो मतलब यहां भी आप स्टेप वैल्यू में चेंज कर सकते हो लेकिन मैंने यहां पर स्टॉप वैल्यू में कुछ नहीं किया उसको ऐसे ब्लैंक रहने दिया क्योंकि मैंने जहां तक सिलेक्ट किया था वहां तक ये अपने आप ही अप्लाई हो जाता है और इसमें पहले सिलेक्ट कर ले तो अच्छा है जो मुझे लगता है मेरा यही रिकमेंडेशन है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है ग्रोथ का सीरीज में ही मैंने आपको दिखाया था ग्रोथ का एक ऑप्शन है तो उससे क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो इस समय मैं D1 में हूं और यहां पर लिख देता हूं 10 10 एंटर लैंड D2 है ना 10 D1 D1 में 10। अब मैं इसके बाद सीरीज में चलते हैं अपर रिबन रिबन होम टैब द चेंज रिबन यूज एस्केप एस्केप इसके बाद हम सीरीज में चलते हैं स्टेप वैल्यू में 1 के बजाय मैं दे देता हूं 2 स्टेप वैल्यू में दे दिया 2 सिंगल 2 लिखा हुआ है और फिर टैप करते हुए स्टॉप वैल्यू में मैंने दे दिया मान लीजिए 100 और आगे बढ़ते हैं ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट ओके बटन कैंसिल बटन रोज रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो पीरियड क्योंकि मुझे रोज में नहीं चाहिए कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो और रो अगर चाहिए तो रो का इस्तेमाल कर सकते हो तो ये आपकी मर्जी है तो मैं फिलहाल कॉलम का इस्तेमाल करता हूं और ऐसा नहीं है कि आप रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कर सकते हो आप करके देख लेना लीनियर रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन Growth radio button check to change the selection. Press up or down arrow period. Alt plus key. तो मैंने down arrow press किया growth आया और फिर tap करके step value colon edit 2 type and stop value colon edit 100 type trend check box not checked. Check press space bar period. Okay button to activate press space bar space. 10 D1. देखे 10 आया D1 में 20 D2. जो मैंने लिखा था D2 में 20 आ गया अपने आप ही. अब नीचे आते हैं क्या हो रहा है? 40 D3. 40 यानी कि growth हो रहा है इसमें. 10 मैंने 2 लिखा था स्टेप वैल्यू यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्रीवियस वैल्यू को 10 को मल्टीप्लाई हुआ 2 से 20 आया 20 अब प्रीवियस वैल्यू हो गया 20 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया है ना 40 के लिए 20 प्रीवियस वैल्यू है अब 40 को मल्टीप्लाई किया 80 आ गया 80 के लिए 40 प्रीवियस वैल्यू है तो 40 को मल्टीप्लाई किया 80 आ गया 2 से जो भी आप स्टेप वैल्यू दोगे उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर 3 देता तो 3 से मल्टीप्लाई होता D5. अब देखिए यहाँ पर D5 में कुछ नहीं आएगा बल्कि 100 दिया था मैंने 100 तक जाना चाहिए था 80 क्योंकि 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 होता है तो वो 100 से ज्यादा हो जाता है इसीलिए एक्सेल ने यहीं पर रोक दिया अब इसमें एक ट्रेंड ऑप्शन है ट्रेंड ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ अगर मैं ऑल टच करता हूँ मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने ट्रेंड ऑप्शन बिल्कुल ऑटोफिल की तरह काम करता है 10 है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 E12 तक सिलेक्ट कर दिया E1 में 10 E2 में 20 और उसके बाद में सिलेक्ट वो कर दिया मैंने सिलेक्ट कर लिया नीचे तक Alt H, upper ribbon, ribbon, home tab, the change ribbon, use left or right arrow period, the nav F5, menu, leaving menu, S, leaving menus, leaving ribbon, step value, colon edit, 10, type and text. अब क्या है यहां देखेंगे स्टेप वैल्यू भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं शिफ्ट टैप करता हूं या टैप जो भी आपको करना है करें स्टॉप वैल्यू कोलन एडिट टाइप एंड टेक्स्ट स्टेप लीनियर रेडियो बटन चेक टू चेंज द सिलेक्शन स्टेप वैल्यू कोलन स्टॉप वैल्यू ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट चेक्ड चेक प्रेस स्पेस बार पीरियड ऑल प्लस टैप करके ट्रेंड में गया और ट्रेंड में मैंने चेक कर दिया स्पेस चेक राइट अब ट्रेंड में जब आप चेक कर दोगे तो ना तो आपको स्टेप वैल्यू के लिए कोई जगह मिलेगा ना ही स्टॉप वैल्यू के लिए मिलेगा वो डिम कर देगा यानी कि उसको डिसेबल कर देता है अब आप टैप करके लिस्ट में जा सकते हो और वहां से लीनियर ग्रोथ या फिर डेट या फिर ऑटोफिल में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो सेम ऑटोफिल की तरह ही यहां पर कंडीशन हो गया है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नीचे जब हम एक्सेल में शीट में काम कर रहे होंगे तो पैटर्न डिसाइड करना होगा जैसे मैंने दो सेल में पैटर्न
पैटर्न डिसाइड किया है 10 फिर 20 यानी कि डबल हो रहा है, फिर हम नीचे आए। तो अगर मैं लीनियर लूंगा तो ये सीक्वेंस में आएगा 10 20 30 40 50, अगर मैं ग्रोथ लूंगा तो ये 10 20 40 80 है ना 160 इस तरह से जाएगा। तो ऑटोफिल में तो सिंपल एक ऑटोफिल का ऑप्शन है, जो पैटर्न देंगे उसी को फॉलो करेगा, लेकिन ट्रेंड को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद बाकी के ऑप्शन भी हम ले सकते हैं, उसके अनुसार वो फिल करेगा। अगर लीनियर लेंगे तो लीनियर के अनुसार फिल करेगा, और ग्रोथ लेंगे तो ग्रोथ के अनुसार फिल करेगा, है ना, अगर हमने ट्रेंड को चेक कर दिया तो। बाकी इसमें स्टेप वैल्यू या स्टार्ट स्टॉप वैल्यू लिखने के लिए कोई जगह नहीं होता है, सेम ऑटोफिल की तरह काम करता है, लेकिन अंतर यह है कि ट्रेंड को चेक करके हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑटोफिल को चेक करेंगे तो खुद ही ऑटोफिल अपना एक अपने आप में एक ऑप्शन है। वहां भी हमें हमने देखा कि स्टेप वैल्यू और स्टार्ट वैल्यू हमें वहां भी नहीं मिलता है, है ना। तो ये ट्रेंड और ऑटोफिल में थोड़ा सा अंतर है, बाकी बिहेवियर ऑटोफिल की तरह ही है। तो इसी के साथ ये ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं, और यदि कोई इसमें जानकारी रह गई हो या फिर आप भी कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो मुझे, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, जिसके लिए आप YouTube में भी कमेंट कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सनली भी भेज सकते हैं, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक्स ले रहा हूँ वो ऑफिस यूजर को ज़्यादातर ध्यान में लेकर ले रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, यदि कोई आवश्यकता हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट करें, बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।